नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। हर पत्नी चाहती है कि उसका पति उसके वश में रहे, कंट्रोल में रहे, वो जो कहे उसका पति वही करे। तो पति को वश में करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, आज हम आपको बताएंगे। देखिए, अगर पत्नी चाहती है कि पति उसके कंट्रोल से बाहर ना जाए, उसके वश में रहे, तो बड़ी संजीदगी से ये उपाय करना होगा। क्या करना है आपको? नियम बना लीजिए कि आप प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करेंगी। आप चाहें तो अपने घर में शिवलिंग रख लीजिए, छोटे से अपने मंदिर में, और वहाँ शिव जी को जल चढ़ाइए, तिलक लगाइए, थोड़े से चावल गंगा जल में गीले करके शिव जी को चढ़ाइए, अक्षत अर्पित करिए, बेलपत्र चढ़ाइए, जो जो सामग्री उपलब्ध हो आपके पास वो चढ़ाए, भगवान भोलेनाथ की आरती करें। और जब अभिषेक कर रहे हैं शिव जी का जल से, तो जो पानी जिस जल से आप अभिषेक करेंगे उसमें थोड़ा गंगा जल जरूर मिला लीजिएगा, और भगवान शिव से प्रार्थना करिएगा कि आपका पति आपकी बात माने, आपकी सुने, आपके कंट्रोल में रहे। दूसरा उपाय, सूर्य और चंद्रमा आपको शुभ फल दें। सूर्य और चंद्रमा आपके बलि हों, उनके प्रभाव से आपको फायदा होगा, तो उनको शुभ फल पाने के लिए, सूर्य और चंद्रमा से शुभ फल पाने के लिए, सूर्य और चंद्रमा को मनाने के लिए आप अपने सास और ससुर को खुश रखने का प्रयास करें। अगर आपके सास ससुर खुश रहेंगे तो 100% आपके जो पतिदेव हैं वो आपके वश में रहेंगे, आपके कंट्रोल में रहेंगे। और सास ससुर खुश रहेंगे तो सूर्य और चंद्रमा भी आपको शुभ फल देना प्रदान करेंगे, शुभ फल प्रदान करेंगे। तो सूर्य और चंद्रमा से शुभ फल मिलेगा अगर सास ससुर प्रसन्न रहेंगे। तो हर ऐसा काम करें जिससे कि सास ससुर दुखी ना हों बल्कि प्रसन्न रहें। उनका ख्याल रखिए, उनसे अच्छी अच्छी बातें करिए, उनकी जो छोटी छोटी ज़रूरतें हैं उन्हें पूरा करने का प्रयास करिए, वो खुश रहेंगे। और जब वो खुश रहेंगे तो आपके पतिदेव आपके वश में रहेंगे, आपके कंट्रोल में रहेंगे। ये एक ऐसा जादू है जिसे जो महिला करना शुरू कर दे तो उसके पति उसके कंट्रोल में जरूर रहेंगे। तो ये उपाय, भगवान शिव का पूजन और सास ससुर को खुश रखना, ये आप करना शुरू करिए। ये बहुत बड़े टोटके तंत्र मंत्र से बड़ा उपाय है, और जो महिलाएं ये उपाय कर रही हैं उन पर भगवान शिव की विशेष कृपा है, और वो अपने घर में सुखी हैं, पति उनकी बात मानते हैं, पति उनके कहे के अनुसार ही कार्य करते हैं। तो पति को कंट्रोल करने का इससे सरल उपाय आपको कहीं नहीं मिलेगा, सबसे सरल उपाय है। इस उपाय को अवश्य आजमाना चाहिए उन महिलाओं को जो जिनकी बात उनके पति नहीं मान रहे हैं, जिनके पति कंट्रोल में नहीं है। तो अपने पति को वश में करने के लिए ये उपाय आप अवश्य कर सकती हैं। एस्ट्रो तक पर महत्वपूर्ण जानकारी आपको अवश्य मिलेगी धर्म और ज्योतिष से जुड़ी। तो देखते रहिए एस्ट्रो तक, फिर आपसे मुलाकात होगी। बोलिए नमः शिवाय। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।